हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से मुखर होकर प्रदर्शन किया है। यमुनानगर में धरना किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का पुतला फूंका। भारतीय किसान संघ के प्रदेश नेता रामवीर चौहान बोले कि दिल्ली में किसान संगठनों की बैठक हुई, तय हुआ था कि 15 सितंबर से मोटे धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। आज हमारी मुख्य मांग है मोटे धान की खरीद जल्द शुरू की जाए। दिल्ली के अंदर 15 सितंबर को किसान संगठनों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं, जो भारत के कृषि मंत्री हैं, वो भी थे। तो जो सरकार ने 3 अध्यादेश पारित किए हैं उनके विषय में चर्चा हुई थी किसान संगठनों के साथ। साथ साथ ये भी चर्चा हुई थी भाई मोटे धान की MSP पे खरीद जल्द शुरू की जाए। तो वहाँ पर सरकार ने कहा था कि हम 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू कर देंगे, लेकिन सरकार उससे पीछे हट रही है। और इस जो एक हफ्ते का ये लेट किया, इन्होंने 1 तारीख की कॉल दी भाई 1 तारीख से हम धान की खरीद शुरू करेंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं अभी 1 तारीख से भी धान की खरीद शुरू कर पाएंगे, क्योंकि मंडियों में कहीं भी हमें तैयारी नज़र नहीं आती है।